Hello student, welcome to you in Doubt Not Life Classes. I am your biology mentor Dolly and today in this chapter we will talk about the birth control measures. So in previous classes we already had started the topic birth control measures and what is the importance of this method? These birth control measures are very important for a couple uh, planning for the fa uh, family planning एंड दे वॉन्ट टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन द टू चिल्ड्रेन तो उनके लिए बर्थ कंट्रोल मेजर जो है इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सो यू नीड टू अंडरस्टेंड वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल अवेलेबल सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी द नेचुरल मैथड सो नेचुरल मैथड के अंदर हमने डिस्कस किया था दट इज अबाउट द पीरियोडिकस तो वट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक एप्सेंस तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो फ़ीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फ़ीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकल जो होती है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग भी विदाउट यूजिंग एनी प्रिकॉशंस बर्थ कंट्रोल मेजर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है तो बर्थ कंट्रोल क्या है द बर्थ कंट्रोल इज द यूज ऑफ द सर्टेन डिवाइसेस ड्रग्स और द सर्जरिकल प्रोसीजर्स इन बोथ मेल एज वेल एज इन द फीमेल क्यों है ये टू प्रीवेंट दस का मतलब क्या होता है टू अवॉइड द अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर इन तरह के डिवाइसेस को यूज किया जा सकता है उसके अलावा इन डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो देर आर द सर्टेन नेचुरल मेथड्स आल्सो तो उस नेचुरल मेथड्स के अंदर मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया था लैक्टेशनल एमिनोरिया के बारे में लैक्टेशनल एमिनोरिया और उसके अलावा मैंने आपको कॉइटस इंटरप्शन मेथड के बारे में भी एक्सप्लेन किया था तो यहीं इन चीज़ों को मैं कंटिन्यू करूँगी बर्थ कंट्रोल मेजर्स को तो सबसे पहले मैं पीरियोडिक एप्सस्टेंस को इस तरीके से रिलेट करना चाहूँगी कि ये जो ये जो बर्थ कंट्रोल मेजर है ये नेचुरल कंट्रोल मेथड है कैसे क्योंकि ये फीमेल साइकल के साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है और आपको पता है कि फ़ीमेल की मैंसुल साइकिल का डेज कितना होता है तो फीमेल की जो मैंसुल साइकिल है उस मैंसुल साइकिल का डेज है यहाँ पर विच इज़ ही ट्वेंटी एट डेज कितना टा कितना पीरियड है यहाँ पर दाटर सी अदर ट्वेंटी एट डेज़ साइकिल यहाँ पर चलेगी ठीक है कैसी साइकिल चल रही है ट्वेंटी एट डेज़ की साइकिल यहाँ पर चल रही है तो इन दिस ट्वेंटी एट डेज़ साइकिल ये पहली जो फेज़ होती है पहला जो पाँचवा दिन होता है आपको पता है इस फेज़ में ब्लीडिंग फेज़ होती है तो जनरली कोइटस इस फेज़ में या फीमेल मेल और फीमेल के बीच में इस वाले फेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स जनरली नहीं होता है अब देखो ये जो पीरियड है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस पीरियड में सिक्सथ सेवन एट नाइन ठीक है तो ये जो पीरियड है इस पीरियड के अंदर यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी फीमेल की बॉडी में एग नहीं है क्यों एग नहीं है क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज चली है तो ब्लीडिंग के साथ में एग बाहर निकल के आ गया है वजाइना से ब्लीडिंग के साथ में बाहर निकल गया है तो अब फीमेल के आपको कंडीशन पता है सिक्स टू थर्टीन डेज तक फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और एग का फॉर्मेशन होता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो वीक है यहाँ पर दसवें दिन तक यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक अभी फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की स्टेज चलेगी यहाँ तक जो पीरियड है ये वाला जो पीरियड है इस वाले पीरियड तक के डेवलपमेंट का फेज चल रहा है यानी कि अभी तक तो क्या है एग प्रेजेंट नहीं है फीमेल की बॉडी में सिर्फ फॉलिकल्स का क्या हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है तो इस वाले पीरियड में फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में तो एग होगा ही नहीं तो देर इज नो नो एग तो इस कंडीशन में यहाँ पर जब एग नहीं है तो इस सिचुएशन में अगर कॉइटस होता भी है मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता भी है तो उस ड्यूरेशन में भी यहाँ पर क्या नहीं होगा फ़र्टिलाइजेशन के चांसेस यहाँ पर ऑलमोस्ट नील रहेंगे क्यों रहेंगे क्योंकि यहाँ पर एग फीमेल के पास में अवेलेबल नहीं है इस सिचुएशन में एग नहीं है पर अब फीमेल के अंदर साइकिल जो होती है फ्लक्चुएट करती रहती है किसी के अंदर दसवें दिन भी एग रिलीज हो सकता है ग्यारहवें दिन भी हो सकता है बारहवें दिन भी हो सकता है तो इस कंडीशन में ऐसा मान के चलते हैं हम लोगों को जो नॉर्मल पता है वो क्या पता है कि चौदहवें दिन ओव्यूलेशन हो जाता है तो ये ओवुलेशन का पीरियड का हम ऊपर के तीन डेज ये ऊपर के ये डेज ठीक है और ओव्यूलेशन के बाद के ये तीन दिन ठीक है ये तीनों दिन यहाँ पर मतलब कि एग किस में प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब में या इससे पहले भी बारह को किसी में बारह बारह तारीख को यहाँ मतलब कि बारहवें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारहवें दिन ओवलेशन हो गया किसी में ग्यारहवें दिन हो गया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइकिल जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है तो हम इस पीरियड को रिस्क पीरियड मान के चलते हैं यानी कि इस कंडीशन में फीमेल के बीच में मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है इस ड्यूरेशन में अगर मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ये रिस्क पीरियड होगा दैट मीन चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन बी द मोर तो ये जो पीरियड है यहाँ से यहाँ तक के पीरियड को हमने क्या बताया है दिस पीरियड विल बी हियर द रिस्क पीरियड और द डेंजर पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ भी है ठीक है अब उसके बाद में हम बाकी के इन पीरियड्स में भी ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये पीरियड जो है अब यहाँ पर एग नहीं है मतलब एग क्यों नहीं है क्योंकि एग यहाँ पर लाइफ स्पेन होता है एग का कि ये वन टू टू डेज तक के लिए ही यहाँ पर अलाइव रह सकता है ठीक है अब चूंकि एग खत्म हो गया है अब चाहे स्पम की एंट्री भी हो जाए तो भी एग फर्टिलाइज करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो ये जो लेटर पीरियड्स होंगे ये पीरियड सेफ पीरियड के अंदर आएंगे तो इस पीरियड के टाइम पर इंटर कोर्स किया जाए तो भी यहाँ पर क्या होगा नो no फर्टिलाइजेशन होगा तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन किस में इस पीरियड में ज़्यादा है यहाँ पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो सकता है तो यू नीड अंडरस्टैंड रिस्क पीरियड और सेफ पीरियड का मतलब क्या सेफ पीरियड का मतलब जहाँ पर विदाउट एनी कॉन्ट्रसेप्शन अगर इंटरकोर्स होता भी है मेल और फीमेल के बीच में तो भी यहाँ पर क्या नहीं होगा जो चांसेस ऑफ़ ए फीमेल बिकम प्रेग्नेंट विल बी द लेस तो यहाँ पर इस पीरियड में हमने किसी भी तरह के डिवाइसिस का इस्तेमाल नहीं किया है किसी भी तरह के यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन मैथड यूज़ नहीं किया है इट इज़ ओनली द सिंपल नेचुरल मैथड जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फीमेल के साइकिल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये किस तरह के बर्थ कंट्रोल मेजर्स के पार्ट होगा दिस वन विल बी द नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेजर्स का पार्ट यहाँ पर होगा तो आई होप आपको यह चीज़ समझ में आई उसके अलावा नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेजर के अंदर नेचुरल में हमने पिछली क्लास में जैसे नेचुरल तो हो गया पीरियोडिक एब्सटेनेंस इसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने तो इसमें रिस्क पीरियड पूरा का पूरा इस तरीके से मैं बता देती हूँ ये फर्स्ट फाइव डेज जो होंगे ये ब्लीडिंग फेज छठे दिन से लेके यहाँ पर ये चौदवा दिन है तो यहाँ तो ओव्यूलेशन होगा इसके तीन दिन थ्री डेज़ बिफोर और इसके थ्री डेज़ आफ्टर यहाँ पर दस पीरियड विल बी हियर द रिस्क पीरियड ये रिस्क पीरियड होगा उसके बाद का ये जो पीरियड होगा ट्वेंटी एट डेज़ की साइकिल का पीरियड यहाँ पर पंद्रह सोलह सत्रह यहाँ पर हम लोग बीस से ट्वेंटी एट डेज़ तक इनको सेफ पीरियड के टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं ये जो टाइम पीरियड होगा वन एट नाइन ये पीरियड भी यहाँ पर किस में होंगे सेफ़ पीरियड के अंदर होंगे ये पीरियड यहाँ पर कैसा पीरियड होगा रिस्क पीरियड होगा तो ये चीज़ आपने कंसीडर करनी है तो ये नेचुरल मैथड्स हमने यहाँ पर लर्न किया उसके अलावा मैंने आपको बताया था विड्रॉल मेथड और द कोइटस इंटरप्शन मेथड ठीक है जो बी मेथड है बी मेथड क्या है बी मेथड इज़ हीयर द कोइटस इंटरप्शन मेथड तो इस कोइटस इंटरप्शन मेथड के अंदर हमने डिस्कस किया था क्या किया था कोइटस इंटरप्शन मेथड के अंदर कोइटस इंटरप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब फीमेल के uh, मतलब जब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स इजेक्यूलेशन के जस्ट बिफोर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स just before ejaculation male release its sperm outside the body यानी कि फ़ीमेल की बॉडी में सीमन को रिलीज ना करके बाहर की तरफ रिलीज़ कर देना दिस इज़ द कोइटस इंटरप्शन तो इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम हो जाते हैं पर इट इज़ नॉट द सेफ मेथड एंड द थर्ड इज़ द लैक्टेशनल एमिनोरिया इस लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर क्या होता है जब फीमेल फीड करा रही है अपने बेबी को तो फीड कराते समय उसके प्रोलेक्टीन हार्मोन बहुत ज्यादा एक्टिव है प्रोलेक्टिन हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोलेक्टिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क के सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मिल्क सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है? है तो मिल्क सिक्रेशन हो रहा है उस टाइम पर चांसेस ऑफ पॉबुलेशन इज लेस ऑबुलेशन नहीं होगा तो एटलीस्ट फॉर सिक्स मंथ एटलीस्ट फॉर सिक्स मंथ यहाँ पर क्या होगा ओवुलेशन नहीं होगा तो दैट मीन्स इन दैट सिचुएशन यू आर वेरी मच क्लियर कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी विल बी द दिल हीयर तो ये सारे के सारे जो मैथड्स हैं ये नेचुरल मैथ्ड्स के पार्ट है आई होप आपने नेचुरल मैथ को समझा होगा तो बर्थ कंट्रोल में अगर मैं ऐसा देखूं बनाऊं एक डायग्राम ड्रॉ करूं तो बर्थ कंट्रोल मेजर के अंदर हमने क्या लर्न करना है पहला मेथड हमने देखा है बर्थ कंट्रोल मेथड के अंदर नेचुरल मेथड ओके नेचुरल मेथड के अलावा जो दूसरा मेथड है दैट वन विल बी द बैरियर मेथड बैरियर का मतलब क्या होता है कोई रुकावट डाल देना ठीक है अब यहाँ पर रुकावट किस चीज की होगी स्पम और ओवा की फ्यूजन में यहां पर बैरियर की तरह काम करेगा अब देखो स्पम एंड ओवा का जो फ्यूजन हो रहा है उसमें बैरियर क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग उसके बारे में बात हम लोग करते हैं ठीक है अब देखो बैरियर मेथड में बैरियर किस चीज़ का होगा ये बैरियर हो सकता है अलग अलग तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का ठीक है तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं दिस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज द स्पॉन्ज ओके सो दिस स्पोंज इज़ प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी यू कैन सी हियर स्पोंज जो है और ये जो यहाँ पर है ये फीमेल के बॉडी से निकालने के लिए होता है क्लियर तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इसकी वजह से स्पर्म और ओवा की मैटिंग नहीं हो पाती है तो देर विल बी द नो फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है इस्पॉन्ज की वजह से तो इट इज़ द वन डिवाइस तो ये डिवाइस किसकी तरह काम कर रहा है इट इज़ एक्टिंग लाइक ए बैरियर क्योंकि ये स्पम और ओवा का फ्यूजन नहीं होने दे रहा है तो बैरियर मेथड्स में जो पहला जो रूल है वो यही है कि डिवाइस शुड बी कैपेबल कि वो ओवा और इस्पम का फ्यूजन ना होने दे तो बैरियर मेथड में किसी न किसी तरह के डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं सेकेंड डिवाइस इज हियर द डाया यू कैन सी हेयर यहाँ पर ये जो डायफ्रेग में आपको देखने को मिल रहा है अब डायफ्रेग में की एक बात जो मैं आपको समझा देती इट इज़ द री यूज़ेबल इनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है ठीक है स्पॉन्ज इज़ नॉट द री इसको री यूज इस स्पॉन्ज को दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डाया है इनको किसी स्पर्मीसाइट्स स्पर्मीसाइट्स का मतलब क्या होता है जो स्पर्म को किल कर दे ऐसा केमिकल तो स्पर्मीसाइट के साथ में इसको फीमेल की बॉडी के अंदर रखा जा रहा है यू कैन सी हियर दिस इज द वजाइनल पार्ट ऑफ द फीमेल तो यहाँ पर क्या होगा ये स्पर्म की एंट्री को अगेन रोकेगा प्लस इसके ऊपर क्या प्रेजेंट तो है स्पर्मीसाइट तो ये स्पर्म्स को किल भी करेगा तो डायाफ्रेक्म इज द वन ऑफ द बेरियर मैथड जो कि कौन यूज़ कर रहा है यहाँ पर इसे फीमेल यूज़ कर रहा है स्पॉन्ज कौन यूज़ करता है फीमेल यूज़ करती है तो ये जो डिवाइसेज है फीमेल के थ्रू यूज़ होने वाले डिवाइसेज हैं सिमिलरली सर्विकल कैप जो होती है ये सर्विक्स के ऊपर रखे जाने वाली कैप है यू कैन सी हियर अगेन दिस डिवाइस इज़ द रीयूजेबल इन सब का मोटिव यही है कि स्पम और ओवा का फ्यूजन यहाँ पर नहीं होने देना है तो स्पम एंड ओवा के फ्यूजन को रोकने वाला डिवाइस यहाँ पर ये अवेलेबल है दिस इज हियर द बैरियर मैथात एंड द द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है दैट इज द कॉन्डम अब ये जो कॉन्डम है ये मेल और फीमेल कॉन्डम मार्केट्स में दोनों ही तरह के कॉन्डम्स अवेलेबल होते हैं ये जो होती है दैट इज द रबर शीट अब इन डिवाइसेस का आ, ये बाकी जितने भी डिवाइसेस यूज किए हमने एक्सेप्ट द स्पोंज ये सब डिवाइसेस जो हैं फीमेल री यूजल डिवाइसेज है सिर्फ स्पॉन्ज को री यूज नहीं किया जा सकता एंड द सेकेंड थिंग जो सर्विक्स है या डायफ्रेग्मिवाइस है ये जो रीयूजल रीयूजेबल uh, तो है ही सही यहाँ पर और पर ये फीमेल को फीमेल ही यहाँ पर यूज़ कर रही है पर यहाँ पर जो दूसरा डिवाइस है कॉन्डम इट इज़ फॉर बोथ मेल एंड द फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है जिसमें एक रबर की शीट होती है जो मेल अपने कॉपिलेट्री ऑर्गन्स पर वेयर करते हैं इसकी वजह से क्या होता है मे ओवा और स्पम का यहाँ पर मेटिंग नहीं हो पाती है प्लस इसका एक मोर एडवांटेज यहां पर यह है कि इस तरह के डिवाइसेज जो हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेटेड डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं तो ये हेल्प हेल्प इन प्रोटेक्टिंग दी सेक्सुअली डिसज से प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर करेगी तो आई होप आपको ये सारे डिवाइसेस के बारे में समझ में आया होगा तो व्हाई वी आर सेइंग द बैरियर मेथड बिकॉज इन इट इन्वॉल्व द पुटिंग अप ए बैरियर बिटवीन द मेल एंड फीमेल सेक्स सेल इट ब्लॉक्स द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवरी एंड प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो ये जो बैरियर मेथड है वो दोनों यूज़ कर सकते हैं मेल भी यूज़ कर सकता है और फीमेल भी इस तरह के बैरियर मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्ट स्पोंज डायाफ्रैक मैन द सर्विकल शील्ड और द सर्विकल केप प्रिवेंट द स्पम फ्रॉम रीचिंग द एग बेरियर मैथड्स इन मेल इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ द मेल कॉन्डम्स तो मेल कॉन्डम्स इज अवेलेबल जो मेल वियर करते हैं यहाँ पे तो ये बेरियर मैथड इज वेरी मच क्लियर टू अस कि बेरियर मैथड इज़ ऑल्सो द वन मैथड तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में तो फिर से हम लोग देखते हैं नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड के अंदर हमने तीन टाइप्स डिस्कस कर लिए, ए पीरियोडिक एब्सटीनस तो मैं छोट में लिखती जा रही हूँ पीरियोडिक एप्स्टिनेंस दूसरा जो मेथड था दैट इज द लैक्टेशनल एमिनोरिया तीसरा जो मेथड था विदड्रॉल मेथड, तो दिस वन इज हियर द विदड्रॉल मेथड सेकेंड जो मैथड था दट इज द बेरियर मैथड तो बेरियर मैथड में हम लोगों ने जो अलग अलग डिवाइसेज देखे दैट इज द सर्विकल कैप डाया फ्रेग उसके अलावा मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स ये कौन से मेथड है ये सारे के सारे बैरियर मेथड्स के पार्ट हैं अब हम जो नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे दैट वन विल बी हियर द हार्मोन मेथड तो इस हार्मोनल मेथड के अंदर क्या होता है बर्थ कंट्रोल इंटरफेयर विद द हार्मोनल बैलेंस इन द व्यूमन बॉडी इन ऑर्डर टू हेम्पर द फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को इंटरफेयर करने के लिए यहाँ पर हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो देखेंगे ओवलेशन और फर्टिलाइज एक को इम्प्लांट नहीं होने देता है यहाँ पर हार्मोनल का डिफरेंट बैलेंस तो इट कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड दोजन एंडल तो बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे वॉट आर द इमोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द हारमोनल कंट्रोल मैथड सो यू कैन ईजीली फाइंड हियर यहाँ पर सर्टेन पिल्स तो हारमोनल मैथड्स के अंदर कुछ और ली जाती है इन पिल्स के अंदर क्या है दिस पिल्स है कॉम्बिनेशन ऑफ एंड दी रिलीजिंग हार्मोन ठीक है तो यहाँ पर इन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है जो क्या करता है ओव्युलेशन को सप्रेस कर देता है ओव्युलेशन के प्रोसेस को सप्रेस कर देता है ठीक है तो यहाँ पर इस तरह की अलग अलग डिवाइस अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीजिंग रिंग्स हो गई है ये आजकल क्या है इंजेक्शंस अवेलेबल है इस तरह के यहाँ पर क्या है डिवाइसेस अवेलेबल है अब कुछ जो डिवाइसेस होते हैं इनको बोला जाता है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस तो ये इंटरा यूटेराइन इंटरा यूटेराइन यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर यूट्रस के अंदर प्लेस करने वाले डिवाइसेस अब यहाँ पर जो है कॉपर टी इज द वेरी फेमस एग्जाम्पल टी जो होता है इस तरह का टी शेप का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर और ये फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है यहाँ पर ये कॉपर टी क्या रिलीज करता है कॉपर रिलीज करता है ठीक है और कॉपर रिलीज हो जाने की वजह से क्या होता है फीमेल की यूट्रस जो होती है वो इमकै इमकैपेबल बन जाती है वो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस मतलब कि इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है इम्प्लांटेशन का मतलब होता है एम्ब्रियो का यूट्रस से अटैचमेंट तो वो करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाती है इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही यूट्रस के अंदर ड्यू टू द रिलीज़ ऑफ द कॉपर फ्रॉम द कॉपर आयंस फ्रॉम दी कॉपर टी तो ये कॉपर टी फीमेल के यूट्रस के अंदर प्लेस करने वाला डिवाइस है जिसने क्या किया है यूट्रस को इम्प्लान्टशन uh, करने के लायक नहीं रख रखा है क्योंकि उसके अंदर क्या रिलीज हो रहे हैं कॉपर आयंस रिलीज हो रहे हैं जो क्या कर रहे हैं नॉर्मल बैलेंस जो है यूट्रस का उसको चेंज कर रहे हैं तो उसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ द कॉपर इन कॉपर इन द यूट्रस विच प्रिवेंट द स्पम्प फ्रॉम रीचिंग द ओवरी इस्पम्प को किल करने का काम कर रहे हैं दूसरा हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटराइन डिवाइस ऑल्सो इज प्रजेंट तो ये हार्मोन रिलीजिंग जो होते हैं लाइक द एल एन जी ट्वेंटी ठीक है ये हारमोन्स रिलीजिंग जो डिवाइसेस हैं ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं हारमोन्स रिलीज करवाते हैं जिसकी वजह से किसका फॉर्मूलेशन नहीं हो पाता है एग का फॉर्मूलेशन नहीं हो पाता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली द हार्मोनल मेथड, द हार्मोनल मेथड इज़ द बर्थ कंट्रोल मेथड, जिसमें बॉडी जो होती है डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से या तो ओवुलेशन को सप्रेस किया जा रहा है या स्पम को रोका जा रहा है ओवरी तक पहुंचने के लिए स्पम या फिर यूट्रस को इमकै uh, इमकैपेबल incap, बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर यूट्रस क्या हो सके यूट्रस यहाँ पर इम्प्लांटेशन uh, के प्रोसेस नहीं करवा सके तो दीज आर द हार्मोनल मैथड जिसके बारे में भी डिस्कस किया एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड इज़ द सर्जिकल मैथड दिस इज़ द इ रिवर्सिबल मैथड और द चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी लेस चांसेस ऑफ़ रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है यहाँ पर अब रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर पहले सर्जिकल मेथड से हम लोग समझते हैं समझ लेते हैं देखो आपको अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर याद हो तो आपने देखा था दिस इज हियर द वासा डिफरेंस ये वासा डिफरेंस क्या करती है ये वासा डिफरेंस जो होती है इजेक्यूलेट्री ऑर्गन तक क्या लेकर जाती है इजेक्यूलेट्री ऑर्गन तक सीमन को लेके जाती है तो सीमन विल बी प्रेजेंट इन दिस ट्यूब एंड ट्यूब इज द वासा डिफरेंस दोनों ही साइड लेफ्ट एंड द राइट साइड दोनों ही तरफ क्या प्रेजेंट होगी वासा डिफरेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगी तो कीप इट इन माइंड अगर इस वासा डिफरेंस को Uh, वासा डिफरेंस जो कि स्पम को ले जाने वाली ट्यूब है उसी को यहाँ से कट करके आपस में बांध दिया जाए तो क्या स्पम की एंट्री होगी क्या स्पम की एंट्री नहीं होगी आपको ये भी पता होगा अर्लियर क्लासेस में आपने ये भी डिस्कस किया है कि इस्पम के साथ में अलग अलग ग्लैंड का सिक्रेशन होता है तो स्पम एंड दी ग्लैंड सिक्रेशन क्या कहलाता है सीमन कहलाता है ठीक है स्पम और ग्लैंड्स का सिक्रेशन क्या कहलाता है सीमन कहलाता है तो अभी आपने सिर्फ किसकी एंट्री को रोका है अभी सिर्फ आपने एंट्री को रोका स्पम क्योंकि टेस्टीज क्या बनाती है टेस्टीज तो स्पम का फॉर्मेशन कर रही है पर यहाँ पर प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल क्या प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल यहाँ पर प्रेजेंट है उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है तो ये ग्लैंड का सिक्रेशन अभी भी इजेकुलेशन के साथ में बाहर निकलेगा पर इस सीमन के अंदर क्या नहीं होगा इस सीमन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा क्यों नहीं प्रेजेंट होगा स्पर्म क्योंकि स्पर्म की एंट्री को इंटरप्ट कर दिया है तो ऐसा मेथड कैसे किया जा सकता है सर्जरी करके जो मेडिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या जो बहुत वेल well क्वालिफाइड लोग होते हैं जो इस तरह की प्रोसेस को कर सकते हैं वो क्या करते हैं सर्जरी के थ्रू वासा डिफरेंस को कट कर देते हैं तो दिस इज द वासा डिफरेंस इस वासा डिफरेंस को कट करके इसको सील कर देना तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि तो फिर क्या पर्सन जो होता है वो परमानेंटली परमानेंटली फर्टिलिटी शो नहीं कर पाएगा क्या तो इसकी इसको रिवर्स भी किया जा सकता है बट द चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज वेरी हियर ये चीज आपको ध्यान में रखना है तो जनरली से इरिवर्सिबल रिवर्सिबल कंसिडर किया जा सकता है बट इट इज नॉट श्योर एंड देन यहाँ तो हुआ मेल के अंदर तो मेल के अंदर इस तरह का किसको कट किया है वासा डिफरेंस को कट करना एंड दैट थिंग इज हियर नोन एज द वेकोटोमी किसके नाम से जाना जाता है इसको वेसेकोटोमी के नाम से जाना जाता है तो मेल के अंदर इस तरीके से इस्पम का यहाँ पर कट स्पम को ले जाने वाली ट्यूब को इस तरीके से कट कर देना और बांध देना लाइगेट कर देना विच इज हियर नोन इज द वेसेकोटोमी फीमेल के अंदर कौन लेके जाता है फीमेल के अंदर लेके जाती है फलोपियन ट्यूब आपको शायद ध्यान हो तो आपने देखा होगा डायग्राम के अंदर कि फीमेल की बॉडी के अंदर दिस इज द यूटरस यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब तो एग किसके अंदर एंटर करता है फलोपियन तो इस फेलोपियन ट्यूब को कट कर दो और बांध दो फेलोपियन ट्यूब का कट करके बांधना दैट इज न्यू नोन दैट इज नोन एज द ट्यूबेको क्या कहा जाता है ट्यूबेको टॉमी या फिर लाइगेशन के नाम से जाना जाता है तो आई होप आपको सर्जिकल मेथड भी समझ में आया होगा तो यहाँ पर हम लोग देखें फिर से क्या हमने डिस्कस किया बैरियर मेथड्स के अलावा यहाँ पर हार्मोनल मेथड्स हैं अब हार्मोनल मेथड में क्या क्या हो सकते हैं औरल पिल्स हो सकती हैं उसके अलावा इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस हो सकते हैं इस इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस के अंदर कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस हो सकते हैं जैसे कि कॉपर टी सी यू सेवन इज द एग्जाम्पल कॉपर रिलीजिंग उसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हो सकते हैं उसका एग्जाम्पल है ठीक है चौथा जो मैथड होगा सर्जिकल सर्जिकल के अंदर आपने देखा मैथडिकल और दूसरा जो मेथड देखा आपने ट्यूबेकोटोमी तो ट्यूबेकोटोमी और वेसेकोटोमी में क्या डिफरेंस है वेसेकोटोमी का वासा डिफरेंस को कट करना ट्यूबेकोटोमी को किस मतलब यहाँ पर फलोपियन ट्यूब को कट कर देना तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को बना के रख सके अपना एग्जिस्टेंस बना के रख सके अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रख सके क्या रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाता है क्या तो ऐसा नहीं है जीने के लिए ज़रूरी प्रोसेस नहीं होती है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कोई डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लाइफ का बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, फिर भी अलाइव रहते हैं बस ये है कि उनकी प्रोजेनी आगे जनरेशन उनकी नेक्स्ट uh, पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलेगी बट वो तो अपनी लाइफ अच्छे से जी के जाएंगे थर्ड थिंग हमने यहाँ पर देखी कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है विदाउट एनी पार्टनर फिर हमने यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स के अलग अलग जीन्स का कॉम्बिनेशन मिलता है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस की वजह से रो मेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है क्योंकि वेरिएशन्स आर द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन ये सारी के सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी फिर हमने प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया और बताया कि प्लांट्स में स्पेशली इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्लावर इज मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम होता है एंड्रोशियम पॉलिनग्रेन प्रोड्यूस करता है ग्रेन के अंदर होते मेल गैमेट तो मेल गैमेट और फ्यूजन होता है जिससे यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है फ्लावर के अंदर ही तो ये सारी प्रोसेस फीमेल फ्लावर के अंदर होती है जिसकी वजह से सीड का और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है सीड का डिस्पर्सल होता है तो नया प्लांट जनरेट होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है सीड सीड से बनती है न्यू लाइफ सिमिलरली एनिमल में ह्यूमन का रिप्रोडक्शन देखा ह्यूमन में हमने देखा ह्यूमन डायोशियस इंडिविजुअल है ह्यूमन के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में है मेल इज़ डिफरेंट एंड द फीमेल इज डिफरेंट इन दोनों के अंदर ही मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल स्पम का फॉर्मेशन होता है फ़ीमेल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है इनका फ्यूजन होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं जाइगोद बनता है जाइगोड बनने के बाद में न्यू लाइफ का डेवलपमेंट होता है फीमेल की बॉडी के अंदर तो मेल के अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो फीमेल के अंदर एक साइकिल कंटिन्यूएशन में चल रही है उस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं जो कि 28 डेज की साइकिल होती है इस साइकिल की रेगुलरिटी की वजह से मेल और फीमेल जो है अपने बर्थ कंट्रोल मेजर्स नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेजर्स को भी अपना सकते हैं ठीक है उसके अलावा जिसे पीरियोडिक एप्सनेंस कहते हैं नेचुरल मेथड जो है नेचुरल मेथड या बर्थ कंट्रोल मेजर्स को अपनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि मेल और फीमेल अनवांटेड प्रेगनेंसी को यहाँ पर रोक सके ठीक है लैक्टेशनल एमिनोरिया इज अनदर मैथड इन द नेचुरल बर्थ कंट्रोल मैथड जिसमें प्रोलेक्टिन हार्मोन रिलीज होता है जिससे मदर पहले बेबी को देने के बाद में मिल्क सिगरेट करती है जिसकी वजह से एटलीस्ट वो सिक्स मंथ तक ओवुलेशन नहीं करती है तो उस दौरान इंटरकोर्स हो बिना कॉन्ट्रासेप्शन के भी तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत कम रहते हैं विद्रॉल मेथड मैंने आपको डिस्कस कर दिया बैरियर मेथड हार्मोनल मेथड सर्जिकल मेथड इन सब मेथड को हमने डिस्कस किया अब ऑल हम सब लोगों ने यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी डिस्कस किया कि ए पर्सन शुड बी द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पर्सन किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से सफर कर रहा हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एड्स हेपेटाइटिस बी गुनेरिया जेनाइटल हर्ब दीज आर द सम डिसीज जो कि ट्रांसफर होती है किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लेने की वजह से या किसी फ्लूड मीडियम से ट्रांसफर होने वाली ये जो डिसीजेस हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं तो ए पर्सन शुड बी द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोशली मेंटली फिजिकली फिट और नॉट ओनली द एबसेंस ऑफ द डिसज इज द बींग हेल्दी सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर सो यू शुड गो थ्रू द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड आई वुड लाइक टू Ask certain questions also related to this. And next class, I would like to give I would like to ask more questions. So, which of the following is not the part of the female reproductive system in human beings? Now, the question is which of the following is not a part of the female reproductive system in human being Female ka reproductive system ke varsity. bilkul ओवरी इज द प्राइमरी ऑर्गन यूट्रस है क्या बिल्कुल है यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांटेशन होता है ओविडक्ट का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब तो फेलोपियन ट्यूब भी ये एग निकल के ओवरी से किस में आता है फेलोपियन ट्यूब में ही आता है वासर डिफरेंस किसमें होता है मेल के अंदर होता है भी डिस्कस किया तो वॉट विल बी द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ठीक है सो वासर डिफरेंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ द एंड्रोशियम दिस इज हियर द एंथर दिस इज हियर द फिलामेंट इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है एंड्रोशियम और एंड्रोशियम क्या होता है एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम यहाँ पर क्या है बच्चों एंड्रोशियम इज हियर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पर तो एंथर के अंतर क्या होता है सेप्पल सेपल तो फ्लावर का पार्ट है ओव्यूल ओव्यूल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट है कार्पल कार्पल तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो ये भी नहीं है तो एंथर में क्या प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर कलेक्ट होते हैं ग्रेन। एंथर की ब्रस्टिंग होती है तो ग्रेन डिस्पर्स हो जाते हैं पोलिनेशन की प्रोसेस के लिए तो आई होप आपको सारी के सारी चीजें हमने लर्न की होगी तो आज हमने बेसिकली किसके बारे में डिस्कस किया बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने तो आई होप आपको बर्थ कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होते हैं वो समझ में आ गए होंगे नेचुरल से लेके बैरियर से लेके हार्मोनल से लेके सर्जिकल मेथड्स ये सारे के सारे ही बर्थ कंट्रोल मेजर्स हम लोगों ने डिस्कस किए तो अगली क्लास में मैं आपसे इसी चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी बहुत सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे तब तक आप अपना ध्यान रखिए कोविड से सेफ रहिए घर में रिवीजन करते रहिए टेक केयर बच्चों